राज्यं समेत्य नैकेषु भागेषु शीत प्रकोपः प्रवर्ततेतराम् राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं तुषाराच्छादितम् श्वः सम्भाव्यते तीव्रवायुः आगामि मासस्य प्रथम दिनत्रयेषु वृष्टिः हिमपातः च आकल्यते सम्पूर्णेऽपि देशे नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य पक्षे जनयात्राः भाजपादलेन देहरादून पटना कामरूप कोलकाता नगरं समेत्य नैकेषु स्थलेषु अधिनियम पक्षे आयोजिताः कार्यक्रमाः केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण प्रकाश्यते अद्य वन संरक्षण प्रतिवेदनम् प्रतिवेदने प्रस्तूयते देशस्य वनाच्छादित विवरणम् राष्ट्रपति भवने समायोजिते कार्यक्रमे ह्यः अमिताभ बच्चनः चलचित्र जगतः सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सभाजितः राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः महानायकं सभाजयत् ऑस्ट्रेलिया देशे वनेषु भीषण वह्निना सहस्राधिकाः निवासिनः पर्यटकाश्च विक्टोरियायाः प्रभावित क्षेत्रं त्यक्तुं सचेतिताः ऑस्ट्रेलियायां शताधिकेषु स्थलेषु भीषण वह्निः प्रवर्तिता अस्ति अभिवादये अहमस्मि लता अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः उत्तर भारते विवर्धते शीत प्रकोपः ऋतु विज्ञान विभागेन विवर्धमानं शीत प्रकोपमालक्ष्य दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य कतिपयेषु स्थलेषु रेड कोडेड इत्याख्या संचेतना प्रसारितास्ति संचेतनानुगुणं प्रचण्ड शीत प्रकोपेण स्वात्मानं संरक्षितुं जनाः प्रागेव सूच्यन्ते आगामि दिवसद्वयाय पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेशं समेत्य उत्तरीय भागेषु शीत प्रकोपः यथावस्थमेव स्थास्यति इत्याकल्यते जनवरी प्रथम द्वितीय दिनांकयोः हिमाचल प्रदेशे जम्मू कश्मीरे चापि हिमपातस्य संभावना वर्तते विवर्धमानं शीत प्रकोपं निध्याय हरियाणा प्रशासनेन सर्वेष्वपि विद्यालयेषु अवकाशोद्घोषणा विहिता ततः शरदकालिकम् अवकाशानन्तरं समेऽपि विद्यालयाः जनवरी षोडश दिनांके पुनरुद्घाटयिष्यन्ते पटनानगरे एकस्यां सार्वजनिक जनसभायां केन्द्रीय विधिमन्त्री रविशंकर प्रसादः स्पष्ट्यकरोत् यत् नागरिकता विषये देशे अकारणमेव भ्रमः प्रसार्यते यद्यपि अनेन नागरिकता संशोधन विधिना प्रतिवेशि राष्ट्रेभ्यः पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेशेभ्यः समागतेभ्यः हिन्दू बौद्ध सिख ईसाई जैन पारसी शरणार्थिभ्यः नागरिकता प्रदास्यते तो ये जो पूरी बहस की जा रही है इसका कोई मतलब है क्या जब साफ साफ कानून में लिखा हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू सिख पारसी बुद्धिस्ट जैन मतलब इस देश को बताने में जितना हिंदुओं ने काम किया है उतना मुस्लिमों ने काम किया हमारी प्रेरणा है अशफाकुल्ला खान डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हमारी प्रेरणा है एपीजे कलाम हमारी प्रेरणा है अब्दुल हमीद हम प्रभावित होते हैं चाहे बॉलीवुड हो या कवि हो या शायर हो भारतीय नागरिकता संशोधनाधिनियमं समर्थयितुं उत्तराखण्ड राज्यस्य राजधान्या देहरादून नगरे लोक अधिकार मञ्च इति संघटनेन भाजपादलेन च संयुक्तरूपेण जनयात्रा कृता अस्यां जनयात्रायां भाजपा प्रदेशाध्यक्षः अजय भट्टः देहरादून नगरस्य महापौरः सुनीलः उनियालः गामा इत्यनेन समेत्य नैके जनप्रतिनिधयः बृहन्यात्रायां सामान्यजनाः सम्मिलिताः आसन् अस्मिन्नवसरे सर्वे प्रधानमन्त्रिणः मन की बात कार्यक्रमः अपि श्रुतः
प्रदेशाध्यक्षेण स्पष्टीकृतं यत् अनेनाधिनियमेन नागरिकता प्रदीयते न तु अपह्रियते। तेन विपक्षिदलान्यपि विषयेऽस्मिन् भ्रमं प्रसारयितुं कट्वालोचितानि। जनयात्रायाम् अस्यां पाकिस्तान देशात् समागतैः शरणार्थिभिः अपि सम्मिल्य नागरिकता संशोधन अधिनियमाय मोदी प्रशासनाय धन्यवादः ज्ञापितः। मुक्तहृदयेन च अधिनियमस्य अस्य स्वागतं कृतम्। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर अद्य नवदिल्ल्यां प्रस्तोष्यति वन सर्वेक्षण प्रतिवेदनम्। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इत्याख्यमेकं संघटनमस्ति यद्धि पर्यावरण वन मंत्रालयाधीनं प्रचलति। एतत् संघटनस्य मुख्यमुद्देश्यं देशे वन संसाधनानां सर्वेक्षणं तन्मूल्यांकनं च अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना ह्यः मन की बात इति कार्यक्रमे राष्ट्रवासिनः सम्बोधिताः। अयं हि मन की बात कार्यक्रमस्य षष्ठीतमं अस्य वर्षस्य च अन्तिमं संस्करणम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा आशा प्रकाशिता यत् आगामि दशकः नैव खलु यूनां विकासाय भविता, अपितु तत् क्षमताभिः सम्प्रेरितस्य राष्ट्रस्य अपि विकासाय भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा कार्यक्रमस्य अस्य प्रारम्भे आगामि दशकं प्रवेशितुम् अस्य शताब्दस्य विंशति वर्षपूर्त्यर्थं च स्वीयाः शुभकामनाः प्रकटिताः। हिन्दी चलचित्र जगतः सर्वोच्च सम्मानेन दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण बहुमानितः हिन्दी चलचित्र जगतः महानायकः अमिताभ बच्चनः राष्ट्रपति भवने समायोजिते एकस्मिन् भव्ये कार्यक्रमे अमिताभ बच्चनः अनेन पुरस्कारेण सभाजितः। अत्रावसरे तत्पत्नी जया बच्चनः पुत्रः अभिषेक बच्चनोऽपि उपस्थितौ आस्ताम्। भारतीय चलच्चित्र जगतः एतत् सर्वोच्च सम्मान प्रदानाय अमिताभ बच्चनेन भारत प्रशासनं प्रति आभारः प्रकाशितः। मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितनी भी जूरी के सदस्य, उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सह कलाकार, उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया देशे वनेषु भीषण वह्निना प्रशासनेन सहस्राधिकाः निवासिनः पर्यटकाश्च विक्टोरियायाः प्रभावित क्षेत्रं त्यक्तुं संचेतिताः। भीषण वह्निः गत द्विमासात् प्रवर्तितास्ति। मेलबर्न नगरे तापमानं विवर्धितम्। अधिकारिभिः 30,000 पर्यटकाः पूर्व जीप्सलैंड त्यक्तुं आदिष्टा। राज्यस्य 7 जनपदेषु वह्निप्रकोपः चरमावस्थायां वर्तते। न्यू साउथ वेल्स नगरेपि घर्मः विवर्धते। अवधेयमस्ति यत् ऑस्ट्रेलियायां शताधिकेषु स्थलेषु भीषण वह्निः प्रवर्तिता अस्ति। भारतस्य युवा क्रीडिकया ग्रैंड मास्टर उपाध्यक्ष अलंकृता कोनेरु हम्पी इत्यनया चतुरंग स्पर्धायाः ऐषमः विश्व द्रुत स्पर्धामाला स्वायत्तीकृता। हम्पी शनिवासरे निर्णायक द्वन्द्वे चीनदेशीयां लेई तिंगजी इत्येना पराजयत्। अवधेयमस्ति यत् भारतस्य सर्वाधिकायाः युवा क्रीडिकया अनया अस्य वर्षाय 16 वर्षे क्रीडातो अवकाशः स्वकृते आसीत्। पुरुषवर्गे नॉर्वे देशीयेन मैग्निस कार्लसन इत्येन स्पर्धेयं विजिता। अयं हि तृतीयोऽवसरः यदा कार्लसनः स्पर्धामिमां स्वायत्ती अकरोत्।
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।